ये जिहड़ा मतलब मोर्चा चल रहा है ये सारयां दा सिख होण दे नाते कौमी फर्ज बनता है भी अपने कामकार सारे छड के इन्हां सिंघां दी मदद की जाए। मेरे एक गल याद आ रही है भी मां फुट के पानी दे विच गलदी फुटां फुट के आपां गौंदियां ने पौ फुटे हनेरे दा नास हुंदा फुट फुटियां दही रड़काउंदियां ने टिंडे फुटे कपाह दे चुगे जांदे मुच्छां फुट हंकार लियाउंदियां ने पर जिहड़ियां कौमां विच दिलबरा फुट पै जाए वह कौमां भी गर्क हो जांदियां जद जोड़े हुए दो हत्थां दी कोई समझे ना मजबूरी जद हंझू भरियां अखां दी गल मन्ने ना मगरूरी जद थरथराउंदे बुल्लां दी जालम ना समझे भाषा ज झुकी हुई किसी गर्दन नू कोई जालम समझे हासा फिर कंबदे बुल आजादी दे शुरू कर दे नगमा गाउणा फिर नाल अणख दे उठदियां जो झुकियां होईयां धौणा फिर जुलम दे हड़ नू रोकण लई जद उठदियां ने शंगीना फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीना फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीना। वो गुरमीत राम रहीम जी ने सौदा साध कहते हैं उन्होंने 40 दिन के लिए फिर छुट्टी दी है जी पैरोल। हाँ जी तो बंदी सिंह लगातार उत्थे बाह अंदर ही ने मौजूदा सरकार यह कंजर बंद ज़्यादा मदद करती है जेडे धर्मी लोग ने उन्होंने फट जेलों के रखी रखते इंटरनेट भी अजक उन्होंने ही चलता कहने जो सोशल मीडिया ना वो बैन कर देंगे सारे बैन कर देंगे चैनलों फिर कोई चारा नहीं रहा फिर लोग कहें जी डर गए फिर डरने का मतलब ये होंगे भाई जदों असी 10 बंदियां तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं उन्होंने एक तक भी नहीं पहुँचने देनी फिर सानू जिन्हां ते आस आ भी तुसीं होगे मक्खू साहब होगे कई विच कुछ विक भी गए मैं नाउं नहीं लैना चाहुंदा पता लग जांदा है हुण जिन्हां नूं पहलां तों फॉलो करदे हुंदे आ ठीक है जदों इक्को लखत रुख बदल जांदे ने ते उन्हां दा पता लग जांदा ही है इदां दी गल नहीं है जिहड़े अपने सिरां ते पग्गां बन्नी फिरदे ने सिख मैनूं लगदा गुस्सा ना करो कई सिंघ तां सिरां दे सिर फसाई फिरदे ने पग्गां दे विच। भाई दीप सिद्धू ने जदों गवर्नर साहब नूं इत्थे बापू गुरचरण सिंह जी नाल मिले सी ते गवर्नर ने भी ये आखे सी वी सोडे बंदी सिंह असीं रिहा करांगे ते हुण ये गल कही सी वी कित्थे अवेसले ना हो जाओ भाई दीप सिद्धू दे बोल सी दिल्ली नूं भी ये धरना ज़्यादा ओह होऊगा इत्थे कोई आगू नहीं इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाही च लग रहा ते संगत फैसला कर रही है जी इत्थे कोई लीडर टाइप काम नहीं भी कमरियां दे विच फैसले सरकार दे विच सिख मंत्री सिख विधायक ते फिर भी असीं सिख मंग कर रहे हैं भी छड़ दो भाई छड़ दो उन्होंने नहीं पता लगता पानी 100 डिग्री तो उबलता है उदू पहले उबल ही नहीं सकता 100 डिग्री ले जाना पैना है पानी फिर हाँ जब तक सुहाणा साहब तक नहीं जाता यह मोर्चा उदों तक लगता नहीं प्रैशर पवे छेती कई लोग कहते हैं भी वधिया इन्हां दा जुत्तियां पहन जे क्योंकि यह वह कौम के लोग है जिहड़े जुत्तियां खा के उठते हैं किन्हां दी गल करदे अपनी कौम की गल करदे जी पार्टियां सारियां नूं आपां गालां कढ़ी जांदे आ ते नवीं पार्टी कोई सिखां दी आ नहीं रही सारी सिख गई जांदे ना अकाली चंगे कहिंदे ना कांग्रेस चंगे ना आम आदमी जे उहनूं पुछो भाई अपनी पार्टी होनी चाहीदी सिखां दी कहिंदे राजनीति च नहीं होना चाहीदा फिर जुत्तियां खाने दा काम तां अपना साडा अपना मोहाली बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई लगे इंसाफ मोर्चे दे विच रागी ढाडी कलाकार जां होर बहुत सारे लोग पहुँच रहे ने ते जिन्हां दे नाल असीं लगातार राबते दे विच ते गलबात कर रहे हैं सो एक होर जथा साढ़े नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की नाम है बापू जी? मेरा नाम जगवीर सिंह जग्गा जी पिंड मेरा ठिकरी वाला फतेहगढ़ साहब जिला पैंदा सन। अज इत्थे जी फिर किवें अज इत्थे असीं ये जिहड़ा मतलब मोर्चा चल रहा है ये सारयां दा सिख होण दे नाते कौमी फर्ज बनता है भी अपने कामकार सारे छड के इन्हां सिंघां दी मदद की जाए क्योंकि जेकर आपां एक होवांगे सारी कौम तो फिर आपां जितांगे पक्का 100% जे आपां ही खिलरे रहे फिर जित मिलनी संभव नहीं है। कि समझदे हो बई जे अज साढ़े सिख दुफाड़ है तो अज साढ़े बंदी सिंह जेलां दे विच ने? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे एक गल याद आ रही है भी मां फुट के पानी दे विच गलदी फुटां फुट के आपां गौंदियां ने पौ फुटे हनेरे दा नास हुंदा फुट फुटियां दही रड़काउंदियां ने टिंडे फुटे कपाह दे चुगे जांदे मुच्छां फुट हंकार लियाउंदियां ने पर जिहड़ियां कौमां विच दिलबरा फुट पै जाए वह कौमां भी गर्क हो जांदियां। ते एक बेनती होर करनी है जी जद जोड़े हुए दो हत्थां दी कोई समझे ना मजबूरी
जब हंजू भरिया अखा की गल मने ना मगरूरी ज थर थराउंदे बुल्लां दी जालम ना समझे भाषा ज झुकी हुई किसी गर्दन नू कोई जालम समझे हासा फिर कंबदे बुल आजादी दे शुरू कर दे नगमा गाउणा फिर नाल अणख दे उठ दियां जो झुकियां होईयां धौणा फिर जुलम दे हड़ नू रोकण लई जद उठ दियां ने शंगीना फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीना फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीना यही बेनती सारी संगत दे चरणां दे विच है भी मोर्चे नू वध तो वध गिणती दे विच समर्थन दिओ तां कि महाराज सानू फतेह बख्शे। इहनू किस तरह देखदे हो जिवें हुण ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਪੈਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਨੇ? ਅਤੇ ਬਲੇਕ ਸਪਾਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੱਪੂ ਜੇ ਕਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਐਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪਾਲਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਮੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਗੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਆ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਢਾਡੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
अपने बिच फुटा छड के सारे इकट्ठे हो के हमला मारो। ये मान लो भी लास्ट मौका जी, जे ये ऐतकी ना कुछ होया तो मान लो भी 50 साल 100 साल मैं तो लगता नहीं मुड़ के गले नहीं उठनी है। गल है बई जी, जिथे तो कोई बंदा आगू हो ना वह मोर्चे तो हो सकता भी बिक भी जान, जब इतने तो अगवाही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप कर रहे हैं, इतने तो बिकने वाला मतलब ही नहीं। बाकी बई दीप सिद्धू इतने एक गल कह के गया सी, कहना सानू जमीन की लड़ाई तो असी लड़ने जाने, सानू जमीर की लड़नी नहीं आती, असली जमीर की लड़ाई है बई जी। बई दीप सिद्धू ने जो गवर्नर साहब न इतने बापू गुरचरण सिंह जी ना मिले सी, तो गवर्नर ने भी ये आखे से भी सोडे बंदी सिंह असी रिहा करांगे, तो उन्हें यह गल कही सी भी कितने अबेसले ना हो जाओ, बई दीप सिद्धू दे बोल सी। तो पर हुण नौजवानी बई ये गल हैगी है, तुसी इत्थों जाओगे सूनू पता लगूगा, जगाई हुई है, नौजवान बहुत आ रहे ने, थोड़े जे दिनों के बिच तुसी देखोगे बई भी इत्थे किन्ने नौजवान ने। दिल्ली नौ भी ये धरना ज़्यादा होगा, इत्थे कोई आगू नहीं, इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी अगवाही च लग रहा है, तो संगत फैसला कर रही है जी, इत्थे कोई लीडर टाइप काम नहीं भी कमरियां दे विच फैसले, इत्थे संगत फैसला कर रही है जी जो भी हो रहा जी। जिमें ब बहुत सारे भी कहने भी जो दुश्मन भी झुक गया भी आना चाहिए तो धामी होर जो कुछ होया उन्हें देखो जी, जेड़ा आ गया इत्थे सत्कार योग है, पर जे उन्होंने गिले छिकवे है असी उन्होंने बार भी देख लें कि होर भी, पर इत्थे सानू एक होने की लोड़ है, इत्थे समुची कौम नू सारी नू सिर जोड़ना, साढ़े लख धड़े होणगे, लख बखरेवें होणगे, विचारक मतभेद होणगे, पर बंदी सिंघां नू सारे ही प्यार करदे ने, सारे स्टेटमेंटां दिंदे ने, बंदी सिंघां ते सब नू इक होना चाहीदा जी। बिल्कुल, सो परमजीत सिंह जी किवें देखदे हो जी मोर्चा लगा होया जी? हाँ जी, मैं 7 तरीक नू भी आया सी, अज मेरा 7वां दिन है, ते लगातार आ रहे हो? नहीं, की सेवावां कर रहे हो मोर्चे दे विच, तुहाडी की सेवा लगी होई जी? मैं तां जिहड़े ट्रालियां बनाइयां कमरे रूपी इन्होंने लग्जरी ओदा जुगाड़ किया इन्ने दिन च भी लोगों नू मीह दे विच समस्या ना आवे। किन्नियां कु ट्रालियां दा करता जुगाड़ ओदा होया इंतजाम इत्थों? मैं बाकियों नू भी यही बेनती करांगा भी लोगों का पैसा जिहड़ा किसानां ने उस टाइम जो चीज़ा बनाईया सीगियां उहदी इत्थे घाट दिख रही है, वह चीज़ा उरे आईया नहीं जिन्नियां आनियां चाहीदियां। मैं चाहना उरे शंभू मोर्चे वांगू ट्रालियां ट्रालियां बहुत सारिया किसान जथेबंदियां तो चलो इतने आ भी गई, पर कई ये भी कहनियाँ वो कहनियाँ ये साडा मुद्दा थोड़ी है, ये तो गलत राह तोड़ता नौजवान। बड़ी लड़ाई में गया जो सांझा मोर्चा सीगा तो उदो सारे मतभेद भुला के लोग गए हैं, ग्रह दियां गल्लां भी सुनते रहे हैं सिर नीवें करके, तो लेकिन अज साडा भी तो फर्ज बनता है भी उन्हों का सॉरी फर्ज बनता है भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो उत्ते कोई वड्डी चीज़ नहीं भी सानू उरे सारे निजी स्वार्थों तो उपर उठ गए सिर जोड़ के उरे इकट्ठे होना चाहिए। तुसी किसानी नहीं करते, तुसी किसानी नहीं करते फिर भी तुसी उत्थे गए, तुसी उत्थे जाके आए हो, पर वो कहने तुसी साढ़े करके नहीं आए, तुसी अपने ढिड करके गए उत्थे। देखो काफ़ी हद तक ये भी गल सही है, मैं दुख आता है जो तो उन्होंने दिनों तो पहला 328 सरूपों का मसला अमृतसर से बाबा राजा राज सिंह ठीक कहता कहता गिनती घट करके सानू एस जी पी सी चंगा कुटिया तसली नाल, उदों तो तुसी उन्हों का साथ ना दिया, तो कहता अज तुसी उरे जो तुहाडे पेड़ ते आए पई है जमीना का मसला आया रोटी का, तो तुसी आ गए चलो आए चंगी गल है, हैं उमें उरे आना चाहिए दिल्ली मोर्चे वांगू जिमें उत्थे तुआक जलवा दिखाया सीगा, हैं उरे पंथक जथेबंदियां दा ते उत्थे किसानां दा सी, पर किसान सारे मनदे तां श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं है जां कोई भी सरकार दे विच सिख मंत्री सिख विधायक, तो फिर भी असीं सिख मंग कर रहे हैं भी छड़ दो भाई छड़ दो, उन्हां नूं नहीं पता लगता? नहीं, सरकारां बोलियां च मत्ते वाले की ला लो समस्या, वह भी पब्लिक का जो जोर पिया तां वापस लेगी, जीरा मोर्चा ला लो जब तक प्रैशर नहीं बनता, पानी 100 डिग्री तो उबलता है उदू पहला उबल ही नहीं सकता, 100 डिग्री तो ले जाना पैना ये पानी, हाँ जब तक सुहाणा साहब तक नहीं जाता यह मोर्चा उदों तक लगता नहीं प्रैशर पवे छेती। उम्मीद है कि सुहाणा साहब तक जाऊगा जी मोर्चा? देखो आस है बरगाड़ी मोर्चे का, जो आप विश्लेषण करिए मैं याद है शुरुआती जब असं जाते थे उदों भी उत्थे इस तरह ही हौली हौली इकट्ठ होया सीगा, यह संगत तो वही जो सट्टा खा खा के जख्मी हुई डिमोरलाइज हुई पई है, उस करके उन्होंने हुण उठदिया टाइम लगता, साडे लोग लेट उठते हैं लेट जागते हैं, जिदन छेती जागन लग गए तो फतेह छेती हो गए, लोगों के हाथ है भी लोग किन्नी छेती जागते हैं, जब हम अपनी इज्जत का वकार का सवाल हो गया तो देरी कहनू करते हो, आओ
ते जे थोड़ा माफ करना किसी का पुत को अच्छा हो 328 रुपया की गल है उन्होंने लभन कितने कितने पहुँच जाओगे। दिल्ली का फिर भी लंबा सफर सी, ये तो है ही, सवेरे जाके शामी घर भी जा सकते हो, उरे तो पूरा जोर लाओ ना। कई लोग कहते हैं भी वधिया इन्हों का जुत्तियाँ पहन जे क्योंकि ये वह कौम के लोग है जो जुत्तियाँ खा के उठते हैं। किन्ना दी गल करदे? अपनी कौम की गल करदा जी, बहुत लोग कमेंट करते हैं भी ये वह कौम के लोग ने जोड़े सु सौ जाते बहुत छेती तो फिर इन्हों जुत्तियां बजदियाँ फिर उठ जाते हैं। अच्छे सुते ही बादलों पांच बारी इन्होंने मौका दिया, उस बादल में जिन्हें पहला नक्सलाइट मूवमेंट टाइम अपना रूप दिखा के मुकाबले बनाए पंजाब शुरू, फिर उन्हें 78 दे विच कीता लोगों फिर भुलाता, फिर तीजी बारी चौथी बारी मैं कहना जो दोषी है तो असी कड़ा घट है, वो पैराशूट नाल तो उतरे नहीं सी, हैं मैं उन्होंने कोई क्लीन चिट नहीं दिता, असी उस वध दोषी है। अज 90% बाद कहने पंथक है बाबा जी, असी पंथ का सब तो वह कहने असी किया ताही तो तीन सीटा तो आ गए जे किया हों उन्हों का इन्ना बुरा हाशर थोड़ी होना सी, पर समझ नहीं रहे कंत लिखा नहीं पढ़ रहे लोगों से विद्रोह ही बड़ा जी तुम देख चुके हो धामी साहब आए है कि लोगों च, पर मेरा जो निजी विचार है संगत के रूप से बैठे रहना उन्होंने लोगों को टाइम नहीं, जो टाइम देने फिर लोग भड़कते हैं। जरा कोई इस तरह का लीडर है बादल दलिया वह संगत च आके बह जाओ, इन्नी बिजली बड़ी बेइज्जती है। वो कहने साडी पार्टी ने ते साडे लोकां ने कुरबानियां कीतियां, सुखबीर बादल ये कहिंदे आ भी साडे परिवार की भी बहुत वड्डी कुरबानी है, पर जिन्हें मशहूर होना हुंदा ना वो चक के बादल बादल कर लग जाता, तो मशहूर होने के नाँ के उ मशहूर होना बाबा जी, तुम कोई फेसबुक पेज तो नहीं चला अपना? नहीं वीडियो सुनिया ये जैतों के मोर्चे जहर मिला के तो इन्होंने जमीना लिया हुई जी, इन्हों की पुरानी खानदानी कढ़ लो ठीक है ना, तो इस करके ये लोग नहीं पढ़ते, लोग भुल जाने इन्हों का इतिहास, कदे कैप्टन जिताया सी पुराना इतिहास वह नहीं देखा भी ये वडेरे अंग्रेजों का साथ देंदे रहे उस तो पिछे मुगलों का साथ देंदे रहे, सिख कौम तो पता इन्नी भुलक्कड़ है बड़ी छेती भुल जाती है, चुनते हैं कदे इनू लाता इनू मौका देता आई कुछ करते आ रहे 75 साल तो। पर जी हूँ पार्टी आई जी फिर आम आदमी पार्टी यू मानते हो ठीक है? ठीक है नहीं मैं क्यों ठीक कह जो ठीक हो फिर टाइम सिर ना समझे तो ये बारे थोड़े सामने है जो भी है पार्टियां सारियां आप गाला कढ़ी जाते हैं तो नवी पार्टी कोई सिखा की आ नहीं रही, सारी सिख गई जाते ना अकाली चंगे कहने ना कांग्रेस चंगे ना आम आदमी, जो उन्होंने पुछो भाई अपनी पार्टी होनी चाहिए सिखा की कहने राजनीति नहीं होना चाहिए, फिर जुत्तियां खाने का काम तो अपना साडा अपना कोई दुख हों जो असी महान हस्ती हाँ भाई रणजीत सिंह जथेदार सबका अकाल तख्त वर्गे ना सत्त में देखा ना बाद देखा पता नहीं क्यों सिखा की चार थावान निर्धारित की हुई सेंटर ने सिख लंगर च बढ़िया रहे करोना वगू सू छका रहे सिख बार्डर से लड़ता रहे सिख डेर से बढ़िया रहे तो सिख आपस लड़ता चार घुरने बने असी हस के बढ़ते उन्होंने चारा घुरन असी पता नहीं क्यों नहीं समझते अंग्रेजा ने पढ़ा के दुनिया से राज कर लिया हुण उरे बिल्कुल सही गल हो रही सी इक बुलारा कहिंदा कहिंदा जी 10% संगत दी दवान च हुंदी है 90 बाहर घूमती है, दिल्ली च भी यही सी किसान मोर्चे जांदे सीगे जदों तक 12 तो 4 लंगर बंद नहीं होगा दवान च संगत वधेगी नहीं, चाहे अज समझो चाहे 6 महीने नूं समझ लो सारे घरों छक के आने हैं, लेकिन मुद्दा तो उरे सुन दा क्लास टीचर पढ़ा रहे बच्चे उत्थे तो उन्होंने सुनते नहीं पे पार्कों कंटीना च बड़े हैं, वो टीचर एक दिन गुस्से छड़ जूगा पढ़ाना ये कैसे बच्चे हैं तुम इतों ही समझ लो तुम आए तो उरे कुछ सिक्ख्या लैना है दवान च बैठो हाजरी बाद करनी पहला लंगर च बैठ बजा है वो बाद भी हो जू 4 बजे भी तुम छक सकते तुम्हें कहा सिख 2-3 थावान पर बड़िया होया जो बाबा के ज लंगर पर कोई मंत्री लीडर तुम कहने भी इन्होंने जान के सरकार ने इधर तोरे हुए आ ये कह सरकार सिख तुरद आ गुरु ग्रंथ साहब की कहें सिखा यह नहीं पता लगता फिर मतलब कि असं विचार नहीं जी लाई लग दिमाग तो कम नहीं लेंदे भीड़ वेख के चलते हाँ भेड़ चाल भेड़ हाँ भीड़ हूँ की करना चाहिए सानू ए निकलने लिए मुसीबत चो जी मुसीबत आ पहला तो मोर्चा जितो तो सारा कुछ हल है ये हम साड़ी इज्जत का सवाल है हम ला तो बैठे हैं ठीक है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁੰਜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਐਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਈ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਾ ਰੂਪੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਚੈਨਲ।